नमस्ते, मेरा नाम है हिरणजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि डायनासोर के दीवार फाड़ने से मछली पानी के बाहर नहीं फड़फड़ाती, समझ रहे हो ना। अभी मैं इटली में सिटी रोम छोड़कर अपने दूसरे डेस्टिनेशन जो कि मिडिल एज का एक छोटा और काफ़ी प्यारा गांव है आसिसी नामक एक जगह पर आया हूँ। ये मेरा होटल है, अभी जस्ट मैंने चेक इन करके थोड़ा अपने सामान रूम में उतार दिया है और मैं कुछ दिन यहाँ पे इस शांत से छोटे प्यारे गांव में आराम करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी इस गांव के खूबसूरत नज़ारे से रूबरू कराऊँगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। पहाड़ों के माले पर बसे इस छोटे से गांव आसिस की स्थापना 11वीं शताब्दी के आसपास हुई है। इस पहाड़ के मोनेस्ट्री में रहने वाले गॉड के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करने वाले संत लोगों के रहने के मकसद से आज दोपहर 12:30 बजे मैं ट्रेन से रोम से इस आसिस नामक टाउन में पहुंच गया हूं और आसमान ने ना बारिश की बूंदें बिखारना शुरू कर दिया। मुझे इतना तो नहीं पसंद बारिश, लेकिन अभी की बूंदे काफ़ी, जैसे हिंदी में जिसको बूंदाबांदी कहते हैं, जो कि बारिश की छोटी छोटी बूंदे होती हैं, वो गिर रही है, जिसकी वजह से इस टाउन का पूरा व्यू थोड़ा सपने जैसे व्यू हो गया है और घूमने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पत्थरों से बने इस टाउन का मजबूत रास्ता ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। इसके दोनों तरफ यहाँ के लोकल चीज़ें, सुवनियर जैसे बेचने वाली दुकानें लगी हुई है। मैं तो शॉपिंग नहीं करूँगा, बस नीचे चलते हुए क्या क्या है इस टाउन में, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उस पर नज़र डालने की कोशिश करता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि ये इस गांव का स्क्वायर है जहाँ फाउंटेन भी लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर लाइटिंग भी किया हुआ है, शाम को ज़्यादा सुंदर लगेगी। शायद आपको पता होगा कि इटली एक कैथोलिक कंट्री है, जिसका मीनिंग ये होता है कि इस देश में क्रिसमस के फेस्टिवल को बहुत महत्व के साथ बहुत मीनिंगफुली मनाया जाता है, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हो कि सिटी के स्क्वायर में क्रिसमस के मद्देनज़र बहुत सारे सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है और सिटी के कोने कोने में बिखरे पड़े चर्च में घंटे की आवाज़ भी सुनाई देती हुई नज़र आ रही है। ये देखो, सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात किया गया है, काफ़ी फैमिली टूरिस्ट, बच्चे, पार्टी, हमारे जैसे विदेशी नागरिक भी आप देख सकते हो, सबके चेहरे पे मुस्कान है, खुशियों की झलक है। गाना भी बजना शुरू हो गया है, पूरे फेस्टिवल वाला माहौल बन गया है। एक्चुअली मेरे को अभी तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का फेस्टिवल है, लेकिन जब इतने सारे लोगों की भीड़ हो और इतने मज़े से गाना बज रहा हो तो ये बात जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आज वीकेंड भी है, संडे है, तो बहुत सारे लोगों का आना तो जाहिर सी बात था ही। मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे रुक कर देखता हूँ कि आखिरकार आज इस स्क्वायर में क्या होने वाला है या फिर कुछ होने वाला भी है या नहीं। छोटी सी लाइट से प्यारे से सजाई हुई गली के बगल में वही फव्वारा स्थित है जिसको मैंने शुरुआत में दिखाया था। और हाँ, इस प्लाजा में सारी भीड़ इकट्ठी है, पूरे सिटी के, पूरे टाउन की भीड़, ऐसा लगता है कि आज यहीं पे उतर आई है। ये स्क्वायर का सेंट्रल कैथेड्रल है और आज बारिश के बाद ऐसा लगता है कि सूरज थोड़ा जल्दी डूबने वाला है। हाँ, और मैं तो बीच का लाइट निहार रहा हूँ। इस आसिस टाउन की एक खासियत यह है कि यहाँ की हर गली अपने में अपनी ही अलग सुंदरता, अपनी ही अलग प्यारापन सजा के रखा हुआ है। मैं इस टाउन में किसी भी गली में घुसता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अलग अलग पारी कथाओं की दुनिया अलग अलग गली में अलग अलग रूप में मेरा स्वागत कर रही है। देखो, उसी सेंट्रल कैथेड्रल के जस्ट थोड़े सामने ही ये एक मस्त सी प्यारी सी गली शुरू हो गई, जहाँ के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से छोटी छोटी लाइट के साथ डेकोरेशन किया हुआ है और इसके दोनों किनारे लगे हुए होटल और स्टोर भी इस जश्न के खुशी में अपने आप को इतने अच्छे तरीके से सजाया है कि एकदम पुराने ज़माने में अतीत के यूरोप के क्रिसमस सिटी का जैसे माहौल रहा होगा उसको एकदम हूबहू जिस तरह बयां कर रहा है, जैसे
उसकी दुनिया मेरे सामने आके प्रकट हुई हो। बिल्डिंग के ऊपर लगे ये छोटे छोटे से लाइट इस सिटी के रौनक और शोभा को और बढ़ाने के काम करती है, और उसके बदौलत इस सिटी का माहौल दोगुना रोमांटिक और प्यारा लग रहा है। यूरोप के लोगों की एक बात की तारीफ तो करनी ही बनती है कि इन लोगों ने अपने सिटी के पुराने डिज़ाइन और पुराने चार्म को जिस तरह से संरक्षित करके रखा है, ये बेसिकली पूरे देश के इकोनॉमी के लिए ना एक बूस्टर के रूप में काम करता है। जैसे इस ओल्ड चार्म को देखने के लिए मेरे सहित दुनिया भर से पूरे यूरोप के देश से यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, और आपको तो पता ही है कि इस तरह के टाउन यूरोप में ये अकेला नहीं, बहुत सारे हज़ारों से भी ज़्यादा इस तरह के पुराने टाउन भरे पड़े हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपने पुराने डिज़ाइन को कम से कम बदलाव देकर जिस तरह से, यानी कि ये 12वीं शताब्दी से जिस तरह से चला आ रहा है उससे हार्डली कोई बदलाव किया गया है ऐसा कहा जाता है, और आज 21वीं शताब्दी में ये यहाँ के लोकल निवासियों के और अंत में जाकर पूरे इटली के इकोनॉमी के लिए एक लाभदायक कारक के रूप में काम करता है। गली में घूमते घूमते मैं इस गली के अंत में सबसे बड़ा कैथेड्रल सेंट कियारा कैथेड्रल के सामने पहुंच गया हूं। कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में इस कैथेड्रल का निर्माण किया गया, और इस कैथेड्रल के अंदर उस टाइम के एक प्रसिद्ध क्रिश्चियन संत का कब्र बना हुआ है। आपको ये अभी छोटे छोटे से लकड़ियों के स्टोर नज़र आ रहा है ना, ये क्रिसमस मार्केट के एक हिस्सा है जो कि यूरोप के पूरे देश में नवंबर से दिसंबर के महीने में बड़े जोर शोर से चलता है। आजकल तो क्रिसमस ख़त्म हो गया जिसकी वजह से अब पहले जितनी रौनक तो नहीं रही, लेकिन एज़ यू कैन सी अभी भी कुछ दुकानों ने अपनी रोशनी जला कर रखी है। काफ़ी भीड़ है, ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। अंदर जाके देखता हूँ, अगर वीडियो करने की अनुमति मिली तो वीडियो भी करके दिखा देता हूँ। अंदर इतने पवित्र माहौल में इनका वर्शिप चल रहा था कि कुछ बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये कैथेड्रल पूरे आसिस वालों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे हमेशा सन्नाटा बरकरार रखा जाता है। और जैसे ही मैं कैथेड्रल का दर्शन ख़त्म करने के बाद बाहर आया, बारिश के बाद आसमान में सूर्यास्त का दृश्य छाया हुआ था, और जैसे कि आप देख सकते हो कि खाली खाली मैदानी इलाके में 12वीं 13वीं शताब्दी में निर्मित गाँव ने जिस तरह से सुंदरता अपनी बिखेरे रखी है ना, उस नज़ारे ने मेरी आँखों और तन को जिस तरह से मोह लिया उसको शब्दों में बयां करना ही बहुत मुश्किल है। वाह, पूरे टीले तक यह सुंदर गांव फैला हुआ है। पेड़ पर लगे रेडियो से बजते हुए पुराने क्रिसमस कैरोल के सुर के साथ कुछ इस तरह छोटे से टाउन आसिस की शाम ढलती चली गई। इस जलते हुए लाइट को देखकर तो ऐसा लगता है कि आज का कार्यक्रम फेस्टिवल अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। आसमान का रंग भी एकदम ब्लू कलर में अच्छे से सज गया, और उस थोड़े हल्के या गहरे ब्लू कलर के बीच ये पीली पीली लाइट का संयोजन एकदम ही फिट बैठता है। घूमकर वापस आया तो देखा कि पूरी शाम हो गई, प्लाजा में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, और सिटी के मैन कैथेड्रल ने अपना लाइटिंग शुरू कर दिया है। अब देखो स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोसिटी के कमाल के बदौलत। अब देख सकते हो खिड़की पे कुछ लोग आके जबाने इटली में कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग के दीवार पर तारों की बारिश हो रही है, और आगे क्या होगा चलो थोड़ा बहुत देखते हैं। तालियां बजा रहे हैं लोग। कुछ इस तरह मैंने भीड़ के बीचों बीच इस नाम अनजान फेस्टिवल का आनंद लिया। मेरे को अभी तक इसका मीनिंग समझ नहीं आया, लेकिन जो भी हो मुझे देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत रोमांटिक लगा। बात कुछ अलग है कि आप देख सकते हो कि मेरे बगल में कोई नहीं है, फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया, ये काफ़ी है। मेरे होटल के ऊपर चढ़ने वाली गली भी आज कुछ
ज़्यादा ही रोमांटिक लग रहा है। काश मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश में भी ना इस तरह के छोटे से प्यारे से गांव बचे होते तो दुनिया भर से टूरिस्ट आते और हमें भी घूमने में मज़ा आता। देखो ऊपर से नीचे तक आसमान के रंग और पुराने ज़माने के आर्किटेक्ट डिज़ाइन ने मिलकर क्या कमाल का नज़ारा मचाया है। और मैं जहाँ से ओपनिंग किया था उसी जगह पर वापस आ गया हूँ। टाउन के कोने कोने में गूंजते हुए घंटों की आवाज़ और पूरी तरह से ढली हुई नीलिमा से भरे आसमान और उस ज़माने के ये पुराने घर मकान सपने मिलकर जो दृश्य बनाया है ये मेरे मन व मेमोरी में हमेशा के लिए कैद रहेंगे। सच बताओ तो यहाँ आने से पहले मुझे इस जगह से कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इस सिटी के माहौल और रंग ने जिस तरह से मेरे दिल को जीत लिया, वाह, मेरी तो बोलती बंद हो गई। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी ना इस तरह की होती है, जब तक हम किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि उस चीज़ के अंत में आखिर ऐसा क्या है। और उसी अनएक्सपेक्टेड राह पर अगर हमें कोई अप्रत्याशित सफलता मिल जाती है जैसे मुझे आज के इस राह पर मिला, तो बस यार मज़ा ही आ जाता है ज़िंदगी में। और अभी मैं दिन के समापन के सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आया हूँ और वो है डिनर करना। चाहे आपने एक दिन में कितनी भी अच्छी चीज़ें देख ली हो, जब तक सही डिनर नहीं हो जाता ना तब तक आपका सारा दर्शन सारा टूर अधूरा रह जाता है। अभी मेरे सामने हाजिर है रियर इटालियन पिज़्ज़ा जिसको मार्गेरिटा के नाम से जाना जाता है। पहली बार असली इटालियन पिज़्ज़ा ट्राई करने को मिलेगा। इसके टॉपिंग बेसिकली बहुत सिंपल होता है, सिर्फ चीज़ और टोमेटो सॉस और ये ब्रेड के साथ इसको बनाया जाता है। काफ़ी सिंपल लेकिन ताज़ा स्वाद है, इतना भी नमकीन नहीं है कि पहले दिन जो पास्ता खाया था उससे तो काफ़ी सही टॉपिंग है। मुझे ओवरऑल टोमेटो सॉस बहुत अच्छा लगता है तो इसका स्वाद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। इसके साथ एक बियर ना होना तो स्वाद की कमी रह जाएगी। पिज़्ज़ा भी खा लिया और शाम की नीलिमा अब रात के अंधेरे में बदल चुकी है, अब टाइम है होटल जाके आराम करने का। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से भी एक नई जगह का दर्शन करने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया, विवा इटालिया।